उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक संघ के तत्वावधान में कमिश्नरी अधिवक्ता सभागार में सावित्री भाई फूले की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम माता सावित्री भाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया, जिसके संबंध में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रताप राम ने बताया कि आज़ादी के पहले माता सावित्री फूले ने और उनके पति ज्योतिबा फूले ने जिस तरह विद्यालय खोल करके शोषित वंचित समाज को शिक्षा देने का काम किया और आज़ादी के बाद देश के संविधान भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया और पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। उन्होंने बताया कि अध्यापकों का भी दायित्व है कि वंचित समाज को शिक्षा देने का काम करें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रताप राम ने कहा। माता सावित्री बाई फूले अमर रहे, अमर रहे, फूले अमर रहे, अमर रहे। तत्कालीन के उप प्रधानाचार्य भाई साथियों, जैसा कि जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम वक्ताओं ने माता सावित्री बाई फूले के व्यक्तित्व पर कृतित्व पर हमले ने अनेकों विद्यालय खोल करके भारत के दबे कुचले पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग विद्यालय और आजीवन उन्होंने शिक्षा को गति देने का कार्य किया। फूले माता जी के न रहने के पश्चात भी माता सावित्री बाई फूले हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही उन्होंने शिक्षा की अगर जगाती रही। 1918-1919 के पश्चात जब महामारी का दौर आया तो उस समय भी वह जो महामारी से ग्रस्त लोग थे उनकी सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रही, अपने परिवार के साथ तत्पर रही और वह बीमारी से खुद ग्रस्त होने के बावजूद भी वह पीछे नहीं। मेरा नाम राम प्रताप राम, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। आज यह है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षा संघ गोरखपुर की तरफ से देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले की जयंती की पूर्व संध्या पर आज कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि आज़ादी के पहले माता सावित्री बाई फूले ने और उनके पति ज्योतिबा फूले ने जिस तरह विद्यालय खोल करके शोषित वंचित समाज को शिक्षा देने का काम किया, इसी तरह आज़ादी के बाद हमारे देश के जो संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, जो पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, आज हम लोग का भी दायित्व है, विशेष रूप से अध्यापकों का ये दायित्व है कि हम लोग शोषित वंचित समाज को शिक्षा देने का काम करें।